जयपुर के जोबनेर से खबर है, जेईटी परीक्षा 2021 में धांधली के लगे आरोप, फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलाने का आरोप। 8 अगस्त को आयोजित हुई थी जेईटी परीक्षा 2021, 23 अगस्त को परिणाम जारी होने के बाद धांधली होने का एहसास हुआ। कृषि विज्ञान विद्यार्थियों के भौतिक विज्ञान नहीं होने के बावजूद परीक्षा में भौतिक विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ नंबर प्राप्त करना संदेह के घेरे में है। जोबनेर की एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय ने आयोजित करवाई थी परीक्षा। गुस्साए छात्र और अभिभावक पहुंचे जोबनेर के कृषि विद्यालय का घेराव किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का ये घेराव, मामले में कमेटी बनाकर जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक और वीडियोग्राफी की जांच की मांग है। जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी भगवान सहाय जुड़े हुए हैं। भगवान, क्या ये पूरी जानकारी है, क्या ये मामला है? बिल्कुल, मैं क्या बताना चाहेंगे, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अब की बार जैसे ही अक्टूबर के 8 अक्टूबर को जेड भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन करवाया गया था और इसका परिणाम जारी किया गया था 23 अगस्त को रिजल्ट जारी किया था। 23 अगस्त को रिजल्ट जारी होने के बाद में तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनकी जो है उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फिरा है। उनको आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं जो सेंटर है उनके ऊपर डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम दिलाई गई है, जिसमें जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। और आज सभी छात्र और अभिभावक एकजुट होकर श्री कर्णेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान जोबनेर थाना पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रही है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन तमाम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से वार्ता की है और इन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए और कमेटी का गठन किया जाए और जो दोषी सेंटर वाले हैं, अभिभावक है, जो छात्र है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। इनको आश्वस्त किया गया है यहाँ पे जी। और क्योंकि भगवान ये जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है, तो अब क्या इनकी मांग मानी जा रही है या विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई आगे आया है? बिल्कुल, मैं बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जो छात्रों द्वारा ये ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया गया है, जिनके अंदर 3 प्रमुख बिंदु इन्होंने रखे हैं कि इसमें जो टॉप 50 स्टूडेंट है उनकी जांच की जाए, बायोमेट्रिक जो है, जो जहां पे स्टूडेंट एग्जाम देने आए थे उनकी बायोमेट्रिक की जांच की जाए, और ये तमाम जो बिंदु है इनकी मांगे यहां पे मान ली गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनको बिल्कुल आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी जो भी लोग हैं इस प्रकरण के अंदर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सहाय पूरी जानकारी के लिए।